स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों 2021 में मुहर्रम हो गया फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें मौलाना कलवे जबात और डीएसपी मुकल गोयल ने दोनों ने ही बात की और हम आपको बता दें इस बात में क्या रहा है दोस्तों, क्या मशवरा हुआ और क्या फैसला रहा है 2021 में मुहर्रम होंगे या फिर नहीं, सारी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। और हम आपको बताएंगे जुलूस निकलेगा तो कौन कौन सी नई पाबंदियाँ रहेंगी, सारी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ये सच्चे हो सही तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज का टाइम लगवाए वीडियो को करते हैं शुरू। यूपी के डीएसपी मुकुल गोयल ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए मुहर्रम के अक्सर किसी प्रकार के जुलूस या ताजे निकालने की अनुमति नहीं दी जाए। उन्हें कहा है कि धर्म गुरुओं से बातचीत करके कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करने को कहा है। इस बार मुहर्रम 10 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। मुहर्रम में इस संबंध में प्रदेश की चारों ओर पुलिस आयुक्त के जिले के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा है। पत्र में डीएसपी ने कहा है कि मुहर्रम के विषय सबसे काफी डीएसपी थाना अध्यक्षों को क्षेत्रवासियों को दिशा निर्देश को कहा है। छोटी सी छोटी घटना को भी गति न लें और तत्काल घटना स्थान का निरीक्षण करते हुए विवाद को हल करने के लिए वो प्रभावी उपाय का पिछले वर्ष के जिन जिन स्थानों पर किसी प्रकार का भी विवाद हुआ है वहां पर पुलिस राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को भेजकर स्थिति का आकलन कराया जाए। दोस्तों वीडियो यहीं तक रही, वीडियो कैसे लगे वो नीचे कमेंट करके बताइए। और आपको 2021 मुहर्रम को लेकर आपकी क्या राय है, 2021 मुहर्रम होना चाहिए या नहीं, जुलूस निकलना चाहिए नहीं, वो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही रोजाना मुहर्रम का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल ओनली जॉब अपडेट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, शुक्रिया।